गुड मॉर्निंग क्लास, विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि वी कैन लिव विदाउट वाटर फॉर सम टाइम, वी कैन लिव विदाउट फूड फॉर फ्यू डेज, बट वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। हवा के बिना हम लोग नहीं जीवित रह पाएंगे, सांस लिए बिना नहीं रह पाएंगे। हम लोग पानी पिए बिना या खाना खाए बिना फिर भी थोड़े समय के लिए हम लोग जीवित रह सकते हैं। तो इसलिए जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसी से हमें पता चल जाता है कि जो हमारे चारों तरफ का हमारा एटमॉस्फेयर है, जो ये हवाएं हैं, ये हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। द एयर इज़ कलरलेस एंड ऑडरलेस एंड कैन बी फेल्ट ओनली व्हेन इट ब्लोज एज विंड। जब हवा चलती है हम उसको फील कर सकते हैं, ना हम उसका कलर देख सकते हैं, ना हम उसकी स्मेल ले सकते हैं। हम लोग केवल क्या फील करते हैं कि हवा चल रही है, हम उसको केवल फील कर सकते हैं, हम उसको देख या उसको स्मेल नहीं कर सकते। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ गैसेस। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जितनी भी हमारा ये हमारे चारों तरफ का हमारा एटमॉस्फेयर है या हमारा वातावरण है, ये क्या है, ये अलग अलग गैसेस का एक कंपाउंड है। इसमें गैसेस हैं, इसमें वाटर वेपर हैं और हमारे डस्ट पार्टिकल्स हैं। इससे हमारा सारा एटमॉस्फेयर बना है। द प्रोपोर्शन ऑफ गैसेस चेंजेस इन द हायर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इन सच अ वे दैट ऑक्सीजन विल बी ऑलमोस्ट इन नेग्लिएबल क्वांटिटी एट द हाइट ऑफ 120 किलोमीटर। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर फाउंड ओनली अप टू 90 किलोमीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। कार्बन डाइऑक्साइड इज मीट्रोलॉजिकली अ वेरी इंपॉर्टेंट गैस एज इट इज ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन बट ओपेक टू द आउट गोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इट एब्जॉर्ब्स अ पार्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एंड रिफ्लेक्ट्स बैक सम पार्ट ऑफ इट टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस। इट इज़ लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ड्यूरिंग टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, है ना, जो ये हमारे दुनिया भर के फ्यूल्स हैं, पेट्रोलियम है, डीजल है, जब ये बर्न होता है द वॉल्यूम ऑफ अदर गैसेस इज कॉन्स्टेंट बट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ बीन राइजिंग इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स। इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एयर। सबसे ज़्यादा इफेक्ट अगर फ्यूल्स के बर्न होने का कोई गैस के ऊपर, किसी गैस के ऊपर पड़ता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड है। और उस कार्बन डाइऑक्साइड के डिसबैलेंसिंग की वजह से ही आज हम देखते हैं कि हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन की वजह से जो हमारे मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वो भी डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में जो हमारे फ्यूल्स बर्न होते हैं, ये सब हमारे जो एयर है, जो हमारी फ्रेश एयर है, उसको पॉल्यूट करते हैं, उसको प्रदूषित करते हैं, और जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है हमारी अर्थ का वो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। ओजोन इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द एटमोसफेयर। इट इज़ फाउंड बिटवीन 10 to 15 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस एंड एक्ट्स एज अ फिल्टर। जो हमारी ओजोन लेयर है, जो हमारी ओजोन गैस है, उस ओजोन गैस से ही जो हमारी लेयर है 10 से 50 किलोमीटर तक की अर्थ सरफेस की, उसका नाम ही हमारा ओजोन लेयर पड़ गया है, ओजोन गैस की वजह से, क्योंकि इस लेयर में जो हमारी ओजोन गैस है वो मौजूद होती है, और उसकी मौजूदगी की वजह से ही इस लेयर का नाम भी ओजोन लेयर हो गया है।
जो ये हमारी ओजोन गैस है, ये हमारा फिल्ट्रेशन का काम करती है, ये हमारे लिए फ़िल्टर का काम करती है, और ये अल्ट्रावायलेट रेज को फिल्टर करके वापस स्पेस में रेडिएशन के थ्रू भेज देती है। इट एब्जॉर्ब्स द अल्ट्रावायलेट रेज रेडिएटिंग फ्रॉम द सन, इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये क्या करती है, ये अल्ट्रावायलेट रेज जो हमारी सन से आ रही हैं उसको हमारे अर्थ सरफेस पर आने से रोकती हैं, और इसकी वजह से क्या होता है हमारा, हम देखते हैं कि जो हमारी जहरीली अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो हमारे अर्थ तक नहीं पहुंचती। वाटर वेपर इज सच अ वेरिएबल गैस इन द एटमॉस्फेयर विच डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड इट द वार्म एंड वेट ट्रॉपिक्स इट मे अकाउंट फॉर 4% ऑफ द एयर बाय वॉल्यूम वाइल इन द ड्राई एंड कूल एरियाज ऑफ डेजर्ट एंड पोलर रीजन इट मे बी लेस देन 1% ऑफ द एरिया। वाटर वेपर ऑल्सो डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल, जैसे जैसे टेम्परेचर पोल्स की तरफ हमारा कम होता चला जाता है, सो वाटर वेपर ऑल्सो डिक्रीजेज। इट एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द इंसुलेशन फ्रॉम द सन एंड प्रिजर्व्स द अर्थ रेडिएटेड हीट इट डज एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट अलाउइंग द अर्थ नाइदर टू बिकम टू कूल और टू हॉट। Now, next, dust particles are generally concentrated in the lower layers of the atmosphere. हमारे जितने भी dirt particles हैं वो हमारे जो सबसे lower layer है atmosphere की उसी में ही मिलते हैं, और the higher concentration of dust particles is found in subtropical and temperate regions due to dry winds. जितनी हमारी ड्राई विंड्स चलेंगी, जितनी हमारी ड्राई विंड्स ब्लो होंगी, उन ड्राई विंड्स में हमारे जो डर्ट पार्टिकल्स हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। डस्ट एंड सॉल्ट पार्टिकल्स एक्ट एज हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लिए अराउंड विच वाटर वेपर कंडेंस टू प्रोड्यूस क्लाउड्स। The atmosphere consists of different layers with varying density and temperature. Density is highest near the surface of the earth and decreases with increasing altitude. Now, this is the general phenomena of the atmospheric structure. कि किस तरह से अलग अलग layers में हमारे अलग अलग चीज़ें work करती हैं। अब कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो हमारे बार बार आते रहते हैं, इसमें हमारे रिपीट हो रहे हैं, तो मैं पहले उनको हम लोग डिस्कस कर लें ताकि हमारा जो टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ने में हमारे लिए और इजी हो जाए। जैसे बार बार वर्ड आता है एक हमारा एटमॉस्फेयर। व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर, क्या है एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। क्या है एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर इज़ अ डिफरेंट मिक्सचर ऑफ गैसेस। नाउ वी हैव डिफरेंट लेयर ऑफ गैसेस, दे आर ट्रोपोपॉज, द जोन सेपरेटिंग द ट्रोपोस्फेयर, जो ट्रोपोस्फेयर को जोन को स्ट्रेटोस्फेयर से अलग करती है वो हमारी ट्रोपोस्फेयर कहलाती है, वो हमारा ट्रोपोपॉज कहलाता है। कौन सी जोन है ये हमारी, जो ट्रोपोस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर से अलग करती है। एक हमारा नेक्स्ट जोन है मीजोस्फेयर, द अपर लिमिट ऑफ मीजोस्फेयर इज नोन एज मीजोपॉज, जो हमारी मीजोस्फेयर की अपर लेयर है वो हमारा
मीजोस्पास कहलाता है। एक्सोस्फेयर द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर हैव द